जी हाँ, तो आप एक पिक्चर और एक थोड़ा सा टाइटल वगैरह आप लिख के किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और एक पिक्चर अपलोड करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो मुकम्मल आपको मैंने बताने वाला हूँ कि किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं और कौन सी वेबसाइट है और क्या तरीकेकार है उसका। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं फ्लेक्स AF यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, सबसे पहले हम आ चुके हैं गूगल क्रोम में। तो गूगल क्रोम में आके हम लिखने वाले हैं ब्लॉगर, ठीक है। तो ये ब्लॉगर लिखा हुआ आ चुका है। तो सबसे पहले ये ब्लॉगर के नेम से वेबसाइट है, तो जिससे मैं आपको कंप्लीट अर्निंग करने बताऊंगा किस तरह आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह आपने इसमें कोई पोस्ट लगानी है और उसमें किस तरह से आपने अपना आर्टिकल वगैरह लिखना है, तो वो कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। सिंपल, यहाँ पे मैं अभी चलता हूँ ब्लॉगर्स पे और यहाँ पे अभी हमने करना है क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमें पहले इसमें साइन अप करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं चूज़ नेम फॉर योर ब्लॉग, तो वो कहते हैं कि अपने ब्लॉग के लिए कोई नेम चूज़ करें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन ERN, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। जस्ट मैंने इतना लिख लिया, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे यही लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। सॉरी, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा जी, ऑनलाइन अर्निंग EARNING जी, अर्निंग। कोई भी वर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिए साथ में, ठीक है। ये वर्ड डालने से ये देखा, वो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था नीचे कि ये अवेलेबल नहीं है, तो अब ये अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ से अभी हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नाम ये भी मैंने ऑनलाइन अर्निंग ही लिख देना है, EARNING, ऑनलाइन अर्निंग। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मज़ीद भी अगर नेक्स्ट हमें पेस्ट करना पड़े तो हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक ब्लॉग साइट में हम साइन इन हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि अभी ब्लॉग साइट में ये एक नोटिफिकेशन है, तो ये नोटिफिकेशन को हमने अभी रीड नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ईमेल पे जाके भी चेक कर लेता हूँ, अगर कोई ईमेल हमें आई है तो मैं ईमेल से भी कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमें ईमेल नहीं आई फिलहाल, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब आपने पोस्ट बनाने की किस तरह से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह आपने कोई जॉब्स के रिलेटेड ढूंढ लेनी है, ठीक है। कोई भी साइट यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइट है वो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, VU लर्निंग, ठीक है। इस साइट पे आपको कंप्लीट किस्म के जो भी है, जो भी जॉब्स आती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, यानी कि बेशक वो प्राइवेट हो बेशक वो गवर्नमेंट की हो, सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। VU लर्निंग के नाम से ये साइट है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अच्छा जी नो सॉरी, अभी हमने सब्सक्राइब नहीं करना आपको। तो ये देख सकते हैं कि सारी की सारी यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हर तरह की यहाँ पे जॉब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल जॉब्स है, गवर्नमेंट है, NTS है, FPSC है और PPSC, तो इस तरह की आर्मी की, नेवी की, PAF की, हर तरह की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो यहाँ पे ये लगाते रहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह से अपनी पोस्ट लगानी है और आर्टिकल किस तरह से लगाना है। तो सिंपल, मैं यहाँ पे कोई एक उठा लेता हूँ, ठीक है। चलो जी ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक ऐड चैनल यहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा जॉब्स 2022 टू इलेक्ट्रिशियन, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर ऑपरेटर एंड अदर लेटेस्ट, ठीक है जी। तो
तो यहाँ पे जॉब्स हैं, जॉब्स टाइटल क्या है, जॉब्स लोकेशन, पब्लिश डेट और लास्ट डेट टू अप्लाई न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सारे को इस तरह से कॉपी कर लेना है, सिंपल। यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, सारा कुछ उसने दिया है। तो यहाँ से हमने इसको सारे को कॉपी किया और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम वही डिटेल आ गई यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऊपर वो जॉब का टाइटल दे लेना है, जो कि यहाँ पे हमारी जॉब का ये वाला टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल हमने भी यहाँ पे दे लेना है, ठीक है। इस तरह से सेम टू सेम वैसे ही आपके पास ये आ जाएगी हर चीज़। और अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, जैसे कि ये है, ये मैंने ख़त्म कर दिया थर्सडे, और यहाँ से मैंने मंडे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एक्सप्रेस की आगे न्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और न्यूज़पेपर नेम की ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट डेट टू अप्लाई, ठीक है। तो लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट लिख देता हूँ। और पब्लिश डेट ये ठीक है, जॉब लोकेशन की जगह मैं जस्ट लोकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये इतना हमने कुछ अपने पास से भी कर लेना है इसमें ऐड। तो अब यहाँ पे आना है दोबारा से, तो यहाँ पे नीचे आते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ चाहिए, वो ये देखें, वो यहाँ पे हमने सारी कॉपी करनी है। और सिंपल यहाँ पे आ जाना है नीचे, सॉरी यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ और इस तरह, ठीक है। इसको मज़ीद नीचे करने के लिए इस तरह कर सकते हैं, और इसको नीचे करना है तो इस तरह एंटर मार के हमने थोड़ा नीचे आ जाना है। तो यहाँ से अब ये सारे मैंने कॉपी कर लेना है, सॉरी यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक इनको कॉपी किया और सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, ठीक है। तो मज़ीद इसको नीचे कर लूँगा, और यहाँ पे मज़ीद नीचे आने के बाद अब आगे क्या है, वो कहता है कि वो जॉब्स के रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेटिव, बाकी इस इन्फॉर्मेशन इसकी है, ये है इसका फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने एक पिक्चर जस्ट अपलोड करनी है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़ारों लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव एज इमेज कर लेता हूँ मैं, सॉरी, ओपन न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास अभी ओपन हो चुकी है, अब इसको सेव एज करता हूँ मैं, तो अब ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे आना है अपने ब्लॉग्स पे, और यहाँ पे आके वो उस पिक्चर को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई है, ये देख सकते हैं दोनों पिक्चर यहाँ पे हमारी कंप्लीट आ चुकी हैं। और यहाँ पे अभी हमने क्या लिखना था, यहाँ पे मैं मज़ीद थोड़ा सा एंटर करके इसके बारे में जो है इसका फॉर्म वगैरह है उसके बारे में लिख दूँगा कि लास्ट डेट टू अप्लाई 2022, अच्छा जी ये लिखना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी सारा कुछ हमने लिख लिया है फिलहाल। तो सिंपल हमने ये है जॉब्स फॉर्म लिख देता हूँ इस पे ना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब्स फॉर्म, FORM जॉब्स फॉर्म, ठीक है। आगे इस तरह, तो सिंपल आपका ये सारा स्क्रिप्ट भी हो गया और आपने ये डिटेल भी सारी कंप्लीट की लिख दी है। जस्ट इतना सा काम है और अपनी पोस्ट को कर देना है पब्लिश, ठीक है, और इधर से कर देना है कंफर्म, ठीक है। तो इस तरह आप पोस्ट जब अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करने के बाद क्योंकि ये होती हैं ट्रेंडिंग में होती हैं, तो कम से कम आप एक ही चीज़ के रिलेटेड, जैसा कि 10, 20, 30, यानी कि एक ही फॉर एग्जाम्पल ये जॉब्स के रिलेटेड है, तो आप जॉब्स के रिलेटेड, जैसे न्यूज़ के रिलेटेड हो, यानी कि जो कि ट्रेंडिंग में हो, वो आपने पोस्टिंग लेनी है, लेके पोस्टिंग करनी है। तकरीबन 100 पोस्टिंग करने के बाद आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। वो अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, तो अभी आते हैं यहाँ पे अर्निंग पे।
यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका कंफर्म एडसेंस होगा कनेक्टेड होगा, जो कम से कम आप यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दें, लुक लाइक यू हैव एडसेंस अकाउंट टू स्टार्ट यूजिंग एडसेंस सो डैट वी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एज कनेक्टेड यूट्यूब ब्लॉग एडसेंस। जी हाँ, तो ये आपके ब्लॉग के साथ एडसेंस अटैच करना पड़ेगा, तो एडसेंस जब अटैच हो जाएगा तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम आपकी 100 प्लस पोस्टें होनी चाहिए, तो तब जाके इसमें से आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सारी डिटेल थी। तो एडसेंस का तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब एडसेंस जो होता है जैसे सेम वैसे ही एडसेंस होता है। एडसेंस में आपकी पिन वगैरह लगती है और इसमें आपकी पेमेंट बैंक के थ्रू ही आ जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद ऐसे नहीं आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।